मिश्रा सीशी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चंद्रा मिश्रा और आज हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान हैं द, तो उनके आगे द लगना जरूरी बनता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम आज हमारे अपने इंदौर शहर में शिरकत किया है। सी इंडस्ट्री इंदौर के कैंपस में माँ बाप का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच महावी। ओके माँ, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी, आज आपने सी इंडस्ट्री इंदौर को विजिट किया है, व्हाट इज योर फीलिंग? I'm very excited. I think it's a fabulous university. ये क्या campus है? मैं सोच रही हूँ कि जब मैं university में थी तभी मुझे भी इतना बड़ा campus मिला था। But I think ये इंदौर की खूबियाँ है कि आपके पास बहुत सारा जगह है and it's very green. That's what I'm seeing. The campus is very green and I like it. आज के दौर में जो film industry है, मतलब आपके यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी फिल्मों में सलमान से लेके तंजम आप से लेके काजोल मैम आप, और उस पूरे एक ऐसी फैमिली से आने के बाद भी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करना, विच इज़ वेरी टफ टास्क। आई नो हार्ड सपोर्ट है हमारे पास सब कुछ, बट इंडिविजुअल आइडेंटिटी मतलब ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा है आपके लिए शुरुआती दौर से लेके फिल्म? यू नो, ये मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मेरी माँ ने मेरे अंदर एक आइडेंटिटी इतनी डीपली यू नो डाली है कि मेरी माँ ने हमेशा हमें अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना सिखाया है। कि जब भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई तो मुझे, मैं कभी उनकी तरह नहीं बन पाई क्योंकि मैं अपनी ही तरह बन सकती हूँ। आई हैव टू हैव माई ओन आइडेंटिटी। माई मॉम, आई कैन नॉट बी लाइक काजोल, आई कैन नॉट बी लाइक माई मॉम, आई कैन ओनली बी लाइक मी एंड माई मदर हैव टॉट दिस टू मी एज अ चाइल्ड। सो जब भी आप कहते हो ना इंडस्ट्री में अपनी आइडेंटिटी बना, मेरी आइडेंटिटी बन गई है क्योंकि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी ऑलरेडी है। थैंक यू सो मच मैम। एक लास्ट क्वेश्चन है कि सीज यूनिवर्सिटी अपना एक नया इंस्टीट्यूट ला रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, और वहाँ इसमें डांस, म्यूजिक और तमाम सारे कई चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। सेंट्रल इंडिया की सबसे यंगेस्ट यूनिवर्सिटी सीज यूनिवर्सिटी, तो क्या मैसेज देना चाहिए? डांस परफॉर्मिंग आर्ट्स हमारी कल्चर है, हमारी परंपरा है। अगर आप देखोगे हर बच्चे को भरतनाट्यम कथकली सिखाया जाता था क्योंकि वो आपकी बॉडी को बनाता है। सो प्लीज़ गेट इनटू इट, आई थिंक इट्स अमेजिंग। सेज यूनिवर्सिटी कंग्रेचुलेशंस। ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, जब भी आप थिएटर ये सब एक्टिंग परफॉर्म करते हो ना, आप अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हो, तो ऑल दीज थिंग्स यू नो परफॉर्मिंग आर्ट्स इज अ वेरी गुड थिंग फॉर एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। सो हैट्स ऑफ टू यू, प्लीज़ बिग इट अप एंड congratulations on this amazing. Thank you so much, ma'am.